अभय चौटाला ने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि पिछले सत्र में जब अभय चौटाला सवाल पूछ रहे थे तब भी उन्हें बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि आप अपनी पार्टी में विश्वास खो चुके हैं क्योंकि आपकी पार्टी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है। जेजेपी के बनने के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बने रहना चाहिए। ऐसे में अब 5 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की उन्होंने मांग की है और राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष के पद को अब उन्होंने त्याग दिया है। अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी शर्मा, हमारे संवाददाता हैं चंडीगढ़ से। जी हां ओपी, जिस तरीके से की खबर आई है कि अब नेता प्रतिपक्ष के पद से अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और वो 5 अपने विधायक हैं जिनको अयोग्य ठहराए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आरती, अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष चौटाला की, तो लंबे समय से ये जब जींद बाईपोल का चुनाव हुआ था तो जिस वक्त जींद तरीके से बीजेपी की सीटें, बीजेपी के जो प्रत्याशी जीते, उसके बाद कांग्रेस और हरियाणा में इनेलो के जो सांसद विधायक थे वो 17-17 हो गए। उसके बाद जैसे ही एक विधायक के पास चले जाने के बाद, और ये जाहिर सी बात है अभय सिंह चौटाला जी जो है वो नेता विपक्ष का अपना दावा खो रहे थे क्योंकि उनके कांग्रेस से एक विधायक कम हो जाता, तो उस लहजे से उन्होंने इस्तीफा देना था। और अभी 2 दिन पहले ही जो हिसार की नलवा विधानसभा से जो इनके एमएलए थे रणवीर गंगवा, वो इस्तीफा दे के बीजेपी में बकायदा शामिल होते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना सियासी पासा फेंकते हुए सबसे पहले उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी की तरफ से 5 विधायकों की जो है जो सदस्यता उरत करवाने के राज्यपाल को खत लिखा है, जिसमें रणवीर गंगवा जो नलवा हल्के से थे, इसी तरह नैना चौटाला जगवाली से, और जो हिसार के उकलाना विधानसभा से अनूप धानक और राजदीप फोगाट दादरी हल्के से, और ये जो 5 विधायक हैं ये इस वक्त 4 जेजेपी में हैं और एक जो विधायक है वो बीजेपी में चला गया, तो इनको इनकी जो सदस्यता निष्ठवाने के लिए इन्होंने लेटर लिख दिया। और साथ ही जब उन्होंने 5 सदस्यों को निरस्त करवा दिया है, तो उसके बाद अब अगर सदन की देखी जाए तो अगर ये 5 सदस्यों को दल बदल कानून के तहत अगर विधानसभा स्पीकर अगर इनकी सदस्यता कैंसिल कर देते हैं तो 12 जो एमएलए हैं वो इनेलो के पक्ष में रहेंगे और 17 जो है वो कांग्रेस पक्ष में रहेंगे। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं समर्थन के हिसाब से जो है अभय सिंह चौटाला को, वैसे भी अगर सत्ते परीक्षण की बात होती तो वहां जाके अभय सिंह चौटाला जो वो वहां हार जाते, तो उससे पहले उन्होंने अपने लेटर अपने खुद से जो लेटर है वो विधानसभा को भेज दिया है। जी जी, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे संवाददाता ओपी शर्मा, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे थे, इसी को देखते हुए ही अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष की पद से इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, साथ ही 5 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए भी उन्होंने बात कही है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढूल, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जी हाँ रविंद्र ढूल जी, जिस तरीके से कि अब नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 5 विधायकों को वो अयोग्य ठहराने की भी बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल एक बड़ा लंबे समय से एक चर्चा चलाई हुई थी दूसरी पार्टी में कि जैसे नेता प्रतिपक्ष को अपने पद से कुछ इस प्रकार का पेन है कि वो इस्तीफा नहीं दे सकते, या इसी कारण से बाकी जो है विधायक जिन्होंने कहना के इंटरफेक्ट किया उनको बाहर निकालने का या उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं रखे, इस तरह की जितने भी कयासें थी, इस तरह की जितने भी चर्चाएं थी, चाहे मीडिया में रही हो, सोशल मीडिया में रही हो, राजनीतिक गलियारों में रही हो, उन सबको एक पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा करके नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है। ठीक चौधरी देवीलाल जी का जी, जिस तरीके से अब उन्होंने 5 विधायकों को अयोग्य करार देने की बात कही है और इनमें एक नैना चौटाला भी मौजूद हैं, तो ये जो परिवार का दो फाड़ होना है, क्या ये बहुत ज्यादा भारी पड़ा है इस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए राजनीतिक तौर पे यदि हम देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल या फिर लोकदल परिवार ने इस प्रकार के कई झटके पहले ही सहन किए हैं। आज का दिन भी हमारे लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि झटका तो हमें लगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें उभर नहीं पाएंगे या अपने आप को वापिस संभाल नहीं पाएंगे। हमें पहले भी हम झटके लगे, हम पहले भी उभरे थे, इस बारी भी हम निश्चित रूप से उभरने का काम करेंगे। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि अभय चौटाला ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही 5 विधायकों को उन्होंने अयोग्य घोषित करने की मांग की है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तरुण भंडारी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे साथ जानकारी लेते हैं। जी तरुण भंडारी जी, जिस तरीके से कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या राजनीतिक समीकरण है जो आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनके विधायक लगातार दूसरी पार्टी में चले गए, उनके पास अब उतनी संख्या नहीं थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बने रहे। तो कांग्रेस जो कि 15 सीटों पे थी, उनके 17 विधायक हो चुके हैं, जो INLD 20 सीटें जीत के, जिनको लोगों ने विपक्ष की भूमिका अदा करने का जनमत दिया था, वो जी बिल्कुल लगता है 13-14 सीटों। जी बिल्कुल, ये बात जी बिल्कुल ये बात तब से साफ हो गई थी जब से JJP बनी थी, तब से ही ये बात बार बार उठ रही थी कि अब उन्हें नेता प्रत्यक्ष पक्ष जो पद है, क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुके हैं पार्टी के कुछ लोगों का, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो अब क्या लगता है आपको कि राजनीति में ये जो मामला सामने आया है, अब आपका रास्ता थोड़ा साफ हो गया है? नहीं, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम विपक्षी दल, विपक्षी कोई भी इस तरह की हम भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की भूमिका पहले भी कांग्रेस ने अदा की हुई है। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, वो तो क्योंकि हमारे पास सारा विधायक है तो हमें ही मिलेगा, इनके पास संख्या कम होगी। प्रजातंत्र में संख्या का ही गेम होता है, जिसके पास संख्या ज्यादा है वो सत्ता पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष की भूमिका अदा करता है। तो जो हम विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से पिछले 4.5 वर्ष से करते आ रहे थे, वो पद अब हमें मिलेगा और हम और अच्छे ढंग से विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। तो अब आप ये जो एक बात है कि आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि आप भूमिका निभाएंगे, तो आने वाले चुनाव में क्या असर रहेगा? आने वाले चुनाव में तो स्थिति आपको पता है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को जनमत ने पहली बार मजबूती देके हरियाणा में सरकार बनवाई, उन्होंने वादे किए 154 और संकल्प लिए थे, वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। और जनता त्राही त्राही कर रही है, हर वर्ग, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात करो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करो, चाहे युवाओं की बात करो, आप किसी भी वर्ग की बात करो, वो आज दुखी है। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका हमने INLD को दी थी, जनता जिस तरीके से आपने कहा कि आपने विपक्ष की भूमिका इनेलो को दी थी, इनेलो पर आप लोग बार बार आरोप लगाते थे कि ये जनता की आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो अब कांग्रेस किस तरीके से जनता की आवाज उठाएगी? ऐसे कांग्रेस ने पहले भी लोगों की आवाज उठाई है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार साइकिल यात्रा करते हैं, विधानसभा का घेराव हमने कई बार किया, हमने मोटरसाइकिल यात्रा निकाली, हर जगह हर मुद्दे पे हमने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का खिलाफत करी और जनता के जुड़े मुद्दे हमने उठाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत जी बिल्कुल तरुण भंडारी जी, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग मुद्दा उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है नेता प्रतिपक्ष पद से अभय चौटाला ने।